गेहूं के बढ़ते दामों को काबू करने के लिए केंद्र सरकार इसके आयात पर लगने वाले टैक्स को हटा सकती है। अभी गेहूं के इंपोर्ट पर 40% आयात शुल्क लगता है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सरकार कारोबारियों के लिए वीट स्टॉक की सीमा भी निर्धारित कर सकती है। भारत सरकार ने कम उत्पादन को देखते हुए मई में गेहूं के निर्यात को रोक दिया था। बावजूद इसके डोमेस्टिक लेवल पर गेहूं के मूल्यों में लगातार बढ़ोतरी की जा रही है। समाचार एजेंसी राइटर की माने तो अभी इंटरनेशनल बाजार में गेहूं का मूल्य घरेलू बाजार से ज्यादा बना हुआ है। इससे कारोबारियों का विदेश से गेहूं खरीदना अव्यवहारिक है। यदि सरकार आयात शुल्क हटा देती है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मूल्य में कमी आती है तो कारोबारी विदेश से गेहूं मंगवा सकते हैं। खासतौर पर त्यौहार का सीजन होने के दौरान गेहूं को आयात किया जा सकता है क्योंकि यहां पर डिमांड ज्यादा होने के कारण दाम बढ़ सकता है। वहीं पिछले हफ्ते उद्योग से जुड़े प्रतिनिधियों के साथ बातचीत में एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी का कहना है कि हम गेहूं के मूल्य को कम करने के लिए सभी संभावित ऑप्शन ढूंढ रहे हैं। ऐसे में उन्होंने कहा है कि गेहूं के मूल्य में कमी के लिए 40% आयात शुल्क को हटाया जा सकता है। बीते सप्ताह घरेलू मार्केट में गेहूं का मूल्य 2400 रुपये प्रति क्विंटल था, जबकि मई के मुकाबले इसमें 14% की बढ़ोतरी हुई है। वहीं मुंबई के कारोबारियों का कहना है कि गेहूं का घरेलू मूल्य अभी भी वैश्विक मूल्य की अपेक्षा एक तिहाई कम है। व्यापारियों ने कहा है कि भारतीय गेहूं अभी भी पूरी दुनिया में सबसे सस्ता है। भारत दुनिया में गेहूं का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। इससे पहले भारत ने वित्त वर्ष 2017-18 में गेहूं का आयात किया था। आपको बता दें कि कारोबारियों के अनुसार सरकार के पास इस साल बाजार में हस्तक्षेप करने के लिए लिमिटेड विकल्प है क्योंकि इसकी खरीद 57% गिरकर 1,88,00,000 टन हो गई है। नई फसल आने में अभी 9 महीने का समय बाकी है। ऐसे में गेहूं की किसी भी कमी से बचने के लिए सरकार को तब तक का स्टॉक प्रयोग करने के लिए सावधानी बरतनी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।